अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे पास एक नंबर है, इसको इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पता है कि हम इस पर सिर्फ प्राइम नंबर्स की टेबल लगाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 9 की और आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं उनकी ही लगाएंगे। ठीक है, तो 5, 7, 7, 6 क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन हमारा प्राइम जो है वो जस्ट 2 होता है, तो हमारी 2 की टेबल लग रही है। 2 टाइम 2 इज़ 4, 1 इधर गया। 2 टाइम 2 टाइम 8 इज़ 16, तो 1 फिर इधर गया। 2 टाइम 8 इज़ 16, तो 1 इधर गया। 2 टाइम 8 इज़ 16 फाइनली हो गया। अब फिर से इवन नंबर आ गया, तो फिर 2 की टेबल लग रही है। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8। फिर 2 टाइम 7 इज़ 14, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4। फिर भी इवन नंबर निकला है, तो टेबल लग रही है। 2 टाइम 2 टाइम 3 इज़ 6, 1 इधर गया। 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 1 इज़ 2। अब ये जो 361 है, ये इस पर 19 की टेबल लग रही है, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में, वैसे आप देखते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैंने ये बताया हुआ है कि आप क्या करें, स्क्वायर्स याद कर लें। जैसे 1 1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 2 इज़ 4। ठीक है, आप 20 तक एटलीस्ट याद कर लें। 3 टाइम 3 इज़ 9, 4 टाइम 4 इज़ 16, 25, इस तरीके से मैं जा रहा हूँ। 25, 36, 49, और क्या होगा, 64, 81, 100, ये 10 तक हो गया हमारा, ये 10 तक हो गया। इसी तरीके से हम उल्टे शुरू करते हैं। 20 का होगा 400, 19 का होता है 361, ठीक है, 18 का होता है 324। इसी तरीके से हम पीछे जाएंगे तो 289, ये याद कर लें। 17 टाइम 17 इज़ 289, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे। ठीक है, 16 टाइम 16 इज़ 256, 15 टाइम 15 इज़ 225, ऐसे ही 14 टाइम 14 इज़ 196 होता है। ठीक है, 13 टाइम 13 इज़ 169 होता है। 12 टाइम 12 इज़ 144, 11 टाइम 11 इज़ 121 होता है। तो ये हो गए 20 तक, ठीक है, ये 20 तक हो गए, मतलब ये स्क्वायर्स भी हैं, स्क्वायर रूट भी हो गए। मतलब 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20। इसी तरीके से 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361, और 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 19। तो ये याद कर लें तो आपको हेल्प करेंगे। तो 19 टाइम 19 इज़ 361, फिर 19 इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसको खुद की टेबल लगेगी। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो इन दो में से हमें एक एक बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम क्यूब रूट सॉल्व कर रहे होते तो तीन तीन पेयर्स में से हम एक एक बाहर निकाल रहे होते। ठीक है, इन फ्यूचर हम अगर वो करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके काम आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2, 2, 19 बाहर निकाल दिए हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 19 इज़, या 19 टाइम 2 इज़ 38, 38 टाइम 2 इज़ 30, 30 60, 8 8 8 8 16, तो 60 और 16 हमारे हो गए 76। तो अंडर रूट ऑफ 5776 का होगा 76, जो कि हमारा फाइनल आंसर है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।